नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 13 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सहारा के सुब्रत रॉय को लगा झटका, सीटीईटी बीटीईटी अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा। 17 मई से 10 जून के बीच ये ट्रेनें रद्द। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में मानकों में सुधार करेगा बिहार। बिहार से खत्म होगी बेरोजगारी, अडानी ग्रुप करेगा निवेश। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सहारा के सुब्रत रॉय को लगा झटका। सहारा के नाम पर लोगों के करोड़ों की राशि गबन करने वाले सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, जिसके तहत ही पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की गई हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रत रॉय को 13 मई 2022 को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। जस्टिस संदीप कुमार इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने बीते दिन ही स्पष्ट कर दिया है कि 13 मई को उन्हें 10:30 बजे सुबह कोर्ट में उपस्थित होना होगा। हालांकि बीते दिन भी उन्हें उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन वो सशरीर उपस्थित नहीं हुए थे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रमेश चंद्र झा की। रमेश चंद्र झा भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बाद में साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। वो बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ हिंदी के कवि, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। बिहार राज्य के चंपारण जिले का फुलवरिया गांव उनकी जन्मस्थली है। उनकी कविताओं, कहानियों और गजलों में जहां एक तरफ देशभक्ति और राष्ट्रीयता का स्वर है, वहीं दूसरी तरफ मानव मूल्यों और जीवन के संघर्षों की भी अभिव्यक्ति है। आम लोगों के जीवन का संघर्ष, उनके सपने और उनकी उम्मीदें रमेश चंद्र झा की कविताओं का मुख्य स्वर है। सीटीईटी बीटीईटी अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा। नौकरी की मांग पर अड़े बिहार के टीईटी अभ्यर्थियों के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है, जिसके तहत ये सभी अभ्यर्थी अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बीते दिन ये सभी अभ्यर्थी जदयू प्रदेश अध्यक्ष के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए, जहां पर ही अभ्यर्थियों ने 7वें चरण प्रारंभिक विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर जदयू प्रदेश अध्यक्ष के ऑफिस का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। विभाग ने कहा था कि 6ठे चरण के बाद 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। बिहार में बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रही है इतनी गाड़ियां। बिहार में बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाना अवैध है, लेकिन फिर भी बिहार की सड़कों पर धड़ल्ले से आवागमन हो रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार में बगैर रजिस्ट्रेशन के 52,000 गाड़ियों का परिचालन हो रहा है। गाड़ियों का निबंधन करने में राज्य के 15 जिले फिसड्डी हैं। इसमें सबसे अधिक पटना में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन लंबित है। पटना में 6,198 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। उसके बाद बेतिया है, जहां 3,428 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। वहीं राज्य भर में गाड़ियों का निबंधन 72 घंटों में करने का समय निर्धारित है। इसके बावजूद राज्य में करीब 52,000 गाड़ियों का निबंधन लंबित है, जिसमें राज्य में लगभग 14% गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन तय समय में नहीं हो पा रहा है। बिहार को मिले कोविड इमरजेंसी रिस्पांस फंड के तहत इतने करोड़ रुपए। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव के बीच बिहार का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। इसके तहत ही अब स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना इमरजेंसी रिस्पांस फंड प्रिपेयर्डनेस पैकेज 2 के तहत 826 करोड़ रुपए राज्य स्वास्थ्य समिति को जारी किया है। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही पैकेज में 516 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से और 344 करोड़ रुपए राज्य की तरफ से दिए जाने का निर्णय लिया गया है। चूंकि कोरोना वायरस की चौथी लहर देश में धीरे धीरे बढ़ रही है, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण बिहार में भी कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से की गई इस पहल से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। 17 मई से 10 जून के बीच ये ट्रेनें रद्द। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छपरा ग्रामीण और सोनपुर रेलखंड के बीच संपार फाटक की जगह लिमिटेड हाइट सबवे के निर्माण के कारण पूर्व मध्य रेलवे जोन की 3 ट्रेनें अप एंड डाउन 17 मई से 10 जून के बीच 4-4 दिनों के लिए रद्द हो रहेंगी, जिसके तहत ही गाड़ी संख्या 05247, 05248, 17, 24, 31 मई और 7 जून को गाड़ी संख्या 14005, 14006, 17, 24, 31 मई और 7 जून को, वहीं गाड़ी संख्या 04651, 04652, 17, 24, 31 मई और 7 जून को रद्द रहने वाली है। वहीं जो ट्रेन लेट चलने वाली है, उसमें ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस, कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस, गुवाहाटी जम्मूतवी एक्सप्रेस, गुवाहाटी ट्रेन का नाम शामिल है।
तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर फायर सुपरवाइजर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर फायरमैन, जूनियर मरीन रेडियो असिस्टेंट, जूनियर डीलिंग असिस्टेंट, जूनियर मोटर व्हीकल ड्राइवर, जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर, जूनियर स्लिंगर कम रिगर के कुल मिलाकर 922 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए व्यापार या अनुशासन की बात करें तो इसमें सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, बॉयलर, प्रोडक्शन, सीमेंटिंग, ड्रिलिंग, प्रोडक्शन, ड्रिलिंग केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, सरफेस अकाउंट्स, एमएम राजभाषा, पीएनएम सर्वेइंग, फिटिंग वेल्डिंग, डीजल मशीनिंग, परिवहन, चरखी संचालन, भारी उपकरण है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इच्छुक अभ्यर्थी के पास 10+2 या ITI, डिप्लोमा, स्नातक, प्रासंगिक विषय या फिर ट्रेड में PG होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 28 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ongcindia.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में दिखा आसानी तूफान का असर। असानी तूफान का असर बिहार में देखने को मिला है। बुधवार की देर रात राजधानी पटना सहित कई जिलों में ये देखने को मिला। 3 बजे के बाद पटना और अरवल के इलाकों में अचानक तेज आंधी तूफान उठा, जिसका केंद्र पालीगंज रहा। यहां आंधी की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। पटना शहर के दक्षिण से गुजरे ठनका और बिजली के कारण मौसम विभाग को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। मौसम विभाग द्वारा अगले 24 घंटे तक इन प्रदेशों को लेकर येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के जमुई जिले में 2.5 मिलीमीटर, वहीं भागलपुर के सबौर में 2.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि प्रदेश के बाकी भागों का मौसम पूर्वा के कारण सामान्य बना रहा। बिहार में 62% लोगों के पास ही शौचालय की सुविधा। शौचालय की सुविधा देश भर में हो, इसको लेकर केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। देश को 2019 में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार खुले में शौच करने वाले परिवारों का प्रतिशत 2015-16 में 39% से घटकर 2019-21 में 19% हो गया। बिहार में भी सरकार इसी के तहत काम को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। बिहार में शौचालय की सुविधा देश भर में सबसे कम बताई गई है। यहां महज 62% लोगों के पास ही शौचालय है। उसके बाद झारखंड का स्थान है जहां 70% और उड़ीसा में 71% लोगों के पास शौचालय है। इसके अलावा बाकी सभी राज्यों में शौचालय की सुविधा बेहतर है। बिहार के लोग हैं मछली प्रेमी, खपत इतनी कि दूसरे राज्यों से आती है मछलियां। बिहार के लोग मछली खाने के बेहद ही शौकीन हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि हाल ही में साझा की गई रिपोर्ट में दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लोग मछली खाना इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों में इसे मंगवाने की नौबत आ गई है। हर साल 800 करोड़ रुपए की मछली पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से बिहार आती है। रिपोर्ट के अनुसार इसके पीछे वजह मछली उत्पादन है। इसमें हम अब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। दूसरे कृषि रोडमैप 2012-17 में ही राज्य को मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। उप मुख्यमंत्री की माने तो बिहार में लगातार मछली उत्पादन बढ़ रहा है, यह अच्छा संकेत है। इससे राज्य में मछली उत्पादकों को लाभ हो रहा है। अब नहीं कर सकेंगे आयुर्वेदिक यूनानी औषधियों के झूठे दावे। बिहार में आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक दवाइयों और औषधियों को लेकर अब झूठे वादे, विज्ञापन कर नाम आपको मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि इसको लेकर किए जा रहे झूठे दावे और विज्ञापन की जांच फार्मा को विजिलेंस करने वाली है। टीम इन औषधियों की गुणवत्ता, प्रभावों और दुष्प्रभावों की जांच करेगी। यही नहीं, टीम द्वारा आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों द्वारा किए जा रहे इलाज प्रक्रिया और मरीजों पर उसके प्रभाव की भी जांच की जाएगी। इसके लिए राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर प्रभात कुमार द्विवेदी को फार्मा को विजिलेंस का राज्य में नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। ये जानकारी प्रचार डॉक्टर संपूर्णानंद ने दी है। ऑल इंडिया आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली को इसका केंद्रीय कार्यालय बनाया गया है। संस्थान द्वारा देश भर में पटना समेत 72 इकाई को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। रोहतास के मांझरकुंड और धुआंकुंड में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित मांझरकुंड और धुआंकुंड एक जलप्रपात या झरना है जो अपनी मनोरम प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पहाड़ से गिरते पानी को देखना एक अलग ही रोमांचक एहसास होता है और इसी को देखने और प्राकृतिक खूबसूरती का एहसास करने बिहार से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी पर्यटक आते हैं। पर्वत पर काव नदी का पानी एक धारा बनाकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए मांझरकुंड के जलप्रपात में इकट्ठा होता है। वहीं मांझरकुंड की कुछ दूरी पर 36.5 मीटर की ऊंचाई से गहरी घाटी में गिरने वाली पानी से उठते धुएं को लेकर उस स्थान को धुआंकुंड का नाम मिल गया है। ये स्थान युवा और सभी के बेहतरीन पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित है। सावन खत्म होने के तुरंत बाद रविवार को यहां पर लोगों की भीड़ पिकनिक मनाने के लिए सबसे ज्यादा इकट्ठा होती है।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में मानकों में सुधार करेगा बिहार। बिहार के प्रजनन दर में गिरावट के आंकड़े चिंताजनक है। इसको लेकर ही जिलों को मिशन मोड में प्रजनन दर को 2 पर लाने का काम सौंपा गया है। इसके साथ ही परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को गहनता से चलाकर जनसंख्या नियंत्रण की बात पर जोर दिया गया है। इसको लेकर हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे और अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के प्रतिनिधियों को इस चुनौती का पूरा करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इसमें ही राज्य का प्रजनन दर में सबसे कम गिरावट को लेकर चिंता व्यक्त की गई है और जिलों को मिशन मोड में प्रजनन दर में सबसे कम गिरावट को लेकर चिंता जताई है। साथ ही जिलों को मिशन मोड में प्रजनन दर को 2 पर लाने का टास्क भी दिया गया। इसके साथ ही परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को गहनता से चलाकर जनसंख्या नियंत्रण की बात कही गई है। बिहार से खत्म होगी बेरोजगारी, अडानी ग्रुप करेगा निवेश। उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना कर रहे बिहार के लोगों को जल्द ही रोजगार की सौगात मिलने वाली है, क्योंकि बिहार के भविष्य को संवारने के लिए सीएम नीतीश कुमार एनडीए सरकार बड़ी कवायद में जुटी है। राज्य में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को दिल्ली में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन शुरू हुआ। इसमें देश भर के उद्योगपतियों का जुटान होगा, जो बिहार में निवेश को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बिहार में औद्योगिक विकास से राज्य के पलायन और बेरोजगारी को दूर करने की कार्य योजना पर सरकार काम कर रही है और इसी के लिए इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान अडानी समूह की तरफ से राज्य में निवेश को लेकर बड़ी घोषणा की गई है, जिसके तहत अडानी ने कहा है कि वो बिहार में निवेश करेगा। बिहार में 4 सिविल सर्जन समेत 20 डॉक्टरों का हुआ तबादला। बिहार के 4 सिविल सर्जन समेत कुल 20 डॉक्टरों का तबादला बीते दिन स्वास्थ्य विभाग में किया गया है। इसको लेकर विभाग ने पहले ही अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसके मुताबिक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पटना डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह को नालंदा का सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बनाया गया है। डॉक्टर किशोर कुमार मधुप सहरसा का सिविल सर्जन और डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा को मुजफ्फरपुर का सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वहीं डॉक्टर मिहिर कुमार वर्मा को मुंगेर का सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के तौर पर बहाल किया गया है। डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा को सदर अस्पताल वैशाली का अधीक्षक बनाया गया। डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र गिरियक से मधुबनी, डॉक्टर राजीव अम्बष्ट विशेष चिकित्सा पदाधिकारी समेत अन्य लोगों का तबादला हुआ है। बिहार में बदलाव की गाथा लिख रही है लंदन वाली ये लड़की। बिहार में जहां एक तरफ बेरोजगारी चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक लड़की के सामने देश दुनिया में बहुत कुछ करने के सारे दरवाजे खुले थे, लेकिन उन्होंने गांव में आकर विकास की गाथा लिखने का रास्ता अपनाया, जिसके तहत ही सिवान के जुरा देग प्रखंड के नरेंद्रपुर गांव की रहने वाली सेतिका सिंह ने पहले चरण में 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 21 गांव को चुनकर काम करना शुरू कर दिया है। उनकी कोशिश का ही नतीजा है कि आज 6000 से अधिक लोग अपने गांव में ही अपना रोजगार कर रहे हैं। सेतिका ने हाल ही में सबरंगी के तहत महिलाओं के जीवन में रंग भरने की पहल की है। इसका उद्देश्य महिलाओं के तैयार उत्पादों को उचित बाजार दिलाना है। सेतिका के प्रयास से इलाके के करीब 3 दर्जन युवा फुटबॉल, साइकिलिंग और कबड्डी में खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके हैं। राजद के मंत्री ने बताया बिहार में जातीय जनगणना करवाने का फॉर्मूला। बिहार में जातीय जनगणना की मांग तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद से ही इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नया फॉर्मूला दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना बहुत जरूरी है और इस मुद्दे पर भले ही भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दिए बगैर बिहार में जातीय जनगणना होगी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद सब कुछ स्पष्ट हो गया है। कुछ समय और दीजिए और सब कुछ साफ हो जाएगा। बिहार में कहीं न कहीं बहुत कुछ दिखने वाला है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभालने वाले राजीव कुमार का बिहार से है लगाव। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, जो कि 15 मई से मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की जगह लेने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि राजीव कुमार का लगाव बिहार से काफी ज्यादा है। राजीव कुमार बिहार झारखंड कैडर के 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रहे हैं, जो 2020 के फरवरी में सेवानिवृत्त हुए थे। केंद्र सरकार की ड्यूटी से पहले फील्ड में कार्यरत रहते हुए ये बिहार में प्राथमिक शिक्षा उद्योग विभाग के डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके साथ ही राजीव कुमार की एक चर्चा नीति आयोग पुनर्गठित करने के लिए भी की जाती है, जिसके लिए बनी टास्क फोर्स के भी ये एक सदस्य थे। उसी टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर नीति आयोग की मौजूदा ढांचे को मंजूरी दी गई थी। पटना के शहरी क्षेत्रों में चल रही योजनाओं की होगी जांच। बिहार की राजधानी पटना में संचालित योजनाओं की अब भौतिक जांच की जानी है। इस टीम की जिम्मेदारी पटना नगर निगम की तरफ से अधिकारियों और इंजीनियरों को दी जा रही है। इसकी जांच के लिए अब 8 टीम बनाई जा रही है। इन टीम के सदस्य शहर में विभिन्न योजनाओं के काम की जांच करेंगे और उसकी रिपोर्ट नगर आयुक्त को सौंपेंगे। फिर नगर आयुक्त योजना स्थल की जांच करने वाले हैं। नगर निगम की कार्य योजना के मुताबिक 8 टीम मुख्यमंत्री सात निश्चय कच्ची नाली गली जल जमाव जीर्ण शीर्ण हर घर
घर नल का जल आदि योजनाओं के क्रियान्वयन की जांच करने वाली है। इन योजनाओं में कितना और कैसा काम हुआ उसकी भौतिक जांच की जानी है। राज्यसभा चुनाव का हुआ ऐलान, बिहार की 5 सीटों पर इस दिन होगा मतदान। देश भर में राज्यसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राज्यसभा की कुल 57 सीटों पर चुनाव की तारीख की घोषणा की गई है, जिसमें ही बिहार की 5 सीटें भी शामिल है। चुनाव आयोग ने जो पूरा स्केड्यूल जारी किया उसके मुताबिक 24 मई को राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। 31 मई तक के उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 जून तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 10 जून को मतदान का तारीख तय किया गया है। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए बिहार से जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। बिहार के राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल खत्म होने में जिन लोगों का नाम शामिल है उसमें केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता आरसीपी सिंह, राजद की मीसा भारती, भाजपा के गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे के साथ साथ शरद यादव की सीट भी इसमें शामिल है। नीतीश के ही मंत्री ने किया साफ, बिहार में जातिगत जनगणना की कोई खास आवश्यकता नहीं। बिहार में जातीय जनगणना के बीच हो रही चर्चा लगातार देखने को मिल रही है। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिहार सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बिहार के लिए जातिगत बहुत आवश्यक नहीं है। जातिगत जनगणना ऐसा विषय नहीं है कि जिसके बिना बिहार डूब रहा है और धरती हिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के इशारे पर सरकार नहीं चलेगी, जातीय जनगणना कराना राज्यों का अधिकार है। हालांकि अमरेंद्र प्रताप सिंह ने फिर कहा है कि यदि भविष्य में जरूरत होगी तो सरकार जातीय जनगणना करवाएगी। जातीय जनगणना की कठिनाइयों को भी समझना होगा। शिक्षा विभाग के 5 डीपीओ की हुई पोस्टिंग, शिक्षा विभाग ने शिक्षा सेवा के 5 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस दौरान ही पद स्थापना की प्रतीक्षा में रहे अश्विनी कुमार को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में पद स्थापित किया गया। वेटिंग फॉर पोस्टिंग नीरज कुमार को बेगूसराय का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बनाया गया। राघवेंद्र मणि त्रिपाठी को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिवहर, मनोज कुमार को सहायक निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पद पर बेगूसराय के कार्यक्रम पदाधिकारी, राजकमल कुमार को पटना का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बनाया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। दिल्ली में लाल किले का निर्माण 1648 में आज ही के दिन पूरा हुआ था। भारत ने 1918 में राजस्थान के पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए थे। स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र 1952 में शुरू हुआ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। देश का पहला ध्वजवाहक जहाज 1978 में INS दिल्ली सेवामुक्त हुआ। भारत ने पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण 1998 में किए। मिस इंडिया लारा दत्ता ने 2000 में साइप्रस में संपन्न प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट को 2010 के निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना करने वाले आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर का जन्म 1956 में हुआ। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 1905 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक हेमलता गुप्ता का निधन 2006 में आज के दिन हुआ था। गूगल ने भोजपुरी सहित 8 भारतीय भाषाओं को जोड़ा। इंटरनेट फर्म लगातार अपने ऑनलाइन ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म पर कई क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ रही है। गूगल रिसर्च के सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईजैक कैसविल ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ईटी को बताया है कि संस्कृत गूगल ट्रांसलेट में नंबर 1 और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट की जाने वाली भाषा है और अब हम इसे आखिरकार जोड़ रहे हैं। हम पूर्वोत्तर भारत से पहली बार भाषाओं को जोड़ रहे हैं। दिक्कत सर्च इंजन गूगल ने संस्कृत सहित 8 भारतीय भाषाओं को गूगल ट्रांसलेट में जोड़ा है, जिसके तहत ही अब संस्कृत के अलावा गूगल ट्रांसलेट के लेटेस्ट प्रोग्राम में अन्य भारतीय भाषाएं असमिया, भोजपुरी, डोगरी, कोंकणी, मैथिली, मिजो और मैथिलोन मणिपुरी शामिल है। प्लेऑफ से बाहर हुई चेन्नई। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2022 में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके की टीम 16 ओवर में 97 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे ज्यादा नाबाद 36 रन बनाए। डेनियल सैम्स ने 3 विकेट लिए। जवाब में मुंबई ने शुरुआत में लड़खड़ाने के बाद आखिरकार 14.5 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। 98 रनों के टारगेट के जवाब में मुंबई ने 33 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद तिलक वर्मा और ऋतिक शौकीन ने 5वें विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी कर मुंबई की वापसी करा दी। ऋतिक 18 रन बनाकर आउट हुए। तिलक 34 रन बनाकर नाबाद रहे। टिम डेविड 7 गेंदों पर 16 रन बनाकर नाबाद रहे।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है गौतम कुमार, रामनवमी मांझी, राजीव कुमार सिंह, देशु प्रियांशु, शंकर मुखिया, मोहम्मद चांद, विकास बिहारी, संतोष कुमार, अभिषेक कुमार, रविकांत यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने में बिहार सरकार के प्रयास से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।